Hello friends, my name is Dinesh Panwar and I welcome you all on Santosh Science and Agriculture classes, which is going to be a complete guide for agriculture students. ये चैनल स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम में हैं और जो ICAR, BHU, JET जैसे एग्ज़ाम्स देने के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं. इसके साथ साथ ये चैनल उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा जो कि JRF, SRF, एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं. तो आज हम बात करते हैं हमारे पहले वीडियो के बारे में जो है रेवोल्यूशंस इन एग्रीकल्चर. रेवोल्यूशन या क्रांति जिसे हम कहते हैं, जो एग्रीकल्चर में अभी तक जितनी भी हुई है, जिनकी वजह से एग्रीकल्चर के अंदर अलग अलग चीज़ों का जो प्रोडक्शन था या क्वालिटी थी उसे बढ़ाया गया, तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं. आइए देखते हैं. पहला हमारा जो रेवोल्यूशन है उसे हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन. आपको मैं ये बता दूँ कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेवोल्यूशन आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो इसी से पूछे जाते हैं. तो बात करते हैं फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन. जो टर्म है, जो शब्द है, वो दिया था विलियम गॉड ने. अगर हम बात करें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो ये है डॉक्टर नॉर्मन ई बॉरलॉग, और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इट इज़ डॉक्टर MS स्वामीनाथन. यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है. अगर इंडिया दिया हुआ है तो ही MS स्वामीनाथन करना है, और इंडिया नहीं दिया है तो हमें हमेशा डॉक्टर नॉर्मन ई बॉरलॉग का नाम ध्यान रखना है. अगर मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों चलाया गया था, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. भारत के अंदर फूड ग्रेन या जो हमारी खाद्यान्न फसलें हैं उनकी सेल्फ सफिशिएंसी नहीं थी, तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए इस रेवोल्यूशन को बनाया गया था. ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन 1966-67, इसके आसपास यहाँ पर स्टार्ट किया गया था. कई जगह आपको ये 1965 भी मिलेगा. स्टेट सेलेक्टेड फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ICAR ने भी पूछा हुआ है कि इसे स्टार्ट कहाँ पर किया गया था, तो ध्यान रखें पंजाब और हरियाणा ये दोनों स्टेट हैं जिन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए सबसे पहले सेलेक्ट किया था. अगला आपका जो क्वेश्चन है वो BHU के अंदर पूछा हुआ है एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उस टाइम पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे चिदंबरम सुब्रमण्यम. नेक्स्ट हम बात करें क्रॉप्स विच आर मोस्ट बेनिफिटेड बाय ग्रेन रेवोल्यूशन, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे हमारे पास दो क्रॉप्स हैं, एक है वीट और एक राइस. लेकिन अगर दोनों अलग अलग ऑप्शन में आ जाती हैं तो हमें ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा राइस को इसकी वजह से बेनिफिट हुआ था, वीट सेकेंड नंबर पर है. नेक्स्ट बात कर लेते हैं उन दोनों क्रॉप्स की जिनको ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने यूज़ किया था, दैट इज़ वीट एंड राइस. तो सबसे पहले इनकी इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ जो हमने इंडिया के अंदर यूज़ करी, जिसे इम्पोर्ट किया गया, तो एक थी वीट की लर्मा राजो और दूसरी थी सोनारा 64. और सेम वही बात करें राइस के लिए या पैडी के लिए तो वो थी IR 8. वीट की हम बात करें इसे इम्पोर्ट कहाँ किया गया था, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट मार्क करें, ये वापस से एक क्वेश्चन बनता है सिमिट मैक्सिको. सिमिट है इंटरनेशनल वीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट सेंटर, तो इसको ध्यान रखें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. सिमिट का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है मैक्सिको में. और अगर राइस की बात करें तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मनीला फिलीपींस में है. एक क्वेश्चन यहाँ पर है जो हमें कंफ्यूज करता है, एक तो नेम है इसमें IRRI और एक है CRRI, तो आई से हम बोलते हैं इंटरनेशनल और सी से बोलते हैं सेंट्रल. तो ध्यान रखें इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट तो है मनीला फिलीपींस में, और सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया का जो है कटक उड़ीसा में. अगर जीन की बात करें वीट में हमने कौन से जीन को यूज़ करा, तो वीट में प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल था वो है Norrin 10. और अगर सेम वही राइस की बात करें तो यहाँ पर है DGO WU जीन. लास्ट हम बात कर लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पर्सन्स जो कि डॉक्टर नॉर्मन ई बॉरलॉग और MS स्वामीनाथन हैं. डॉक्टर नॉर्मन ई बॉरलॉग जो है ये नेटिव थे या जिनका जन्म हुआ था क्रेस्को, जो कि USA के अंदर है. इनका जन्म हुआ था 25 मार्च 1914 को, और इन्हें जो सर्वोच्च अवार्ड मिला हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए वो है नोबेल प्राइज. एक चीज़ यहाँ पर फिर से इम्पॉर्टेंट मार्क करें, इन्हें नोबेल प्राइज एग्रीकल्चर में नहीं मिला था, इन्हें मिला था विश्व शांति में, फॉर वर्ल्ड पीस. 1970 में इन्हें ये प्राइज़ दिया गया था.
नेक्स्ट हम बात करें अगले इम्पोर्टेंट पर्सन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इनका जन्म स्थान था कुंभाकोनम तमिलनाडु। ये क्वेश्चन BHU पूछ चुका है, उन्होंने कुंभाकोनम का नाम नहीं दिया, सिर्फ स्टेट का नाम पूछा था। तो ध्यान रखें डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का बर्थ प्लेस जो है वो स्टेट है तमिलनाडु। इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 को और इन्हें जो हाईएस्ट अवार्ड मिला है वो है वर्ल्ड फूड प्राइज, विश्व खाद्य पुरस्कार, ये दिया गया था इन्हें 1987 में। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन से हैं। इन सभी को आप चाहे तो एक लाइन में लिख लें, और या अगर आपको इसमें दिक्कत आती है पढ़ने में तो आप इसको स्लाइड को बीच में आप पॉज करें और उसके बाद इनसे जो भी आपको मैटर लिखना है उन्हें ज़रूर लिख लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन। अपने नाम से ही बताता है, वाइट मिल्क होता है, तो इसी से ध्यान रखें वाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड है मिल्क प्रोडक्शन को इनक्रीज करने में। अगर बात करें वाइट रेवोल्यूशन के फादर की तो ये है डॉक्टर वर्गिस कुरियन, और इन्हें हम मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। वाइट रेवोल्यूशन को लॉन्च किया गया था सबसे पहले 1970 के टाइम पे, और इसे हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखें, ऑपरेशन फ्लड और वाइट रेवोल्यूशन दोनों एक ही चीज़ हैं। ऑपरेशन फ्लड को स्टार्ट किसने किया था ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर ध्यान रखें फिर से एक इंस्टीट्यूट आपके सामने आ रहा है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर है आनंद गुजरात में। कई लोग इसे हरियाणा करके आते हैं तो इसको करनाल हरियाणा कर देते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें हरियाणा नहीं है, ये है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात। फिर बात करें लास्ट आपके जनरल नॉलेज के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ अमूल। अमूल का जो पूरा नाम है, हम सिर्फ अमूल बोलते हैं पर इसका पूरा नाम भी है, तो इसका पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा और इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन, एवरग्रीन रेवोल्यूशन या रेम्बो रेवोल्यूशन। एवरग्रीन का मतलब ही है सदाबहार, तो हम कहते हैं एवरग्रीन से संपूर्ण क्रांति, तो इस तरह से हम इसे जान सकते हैं। एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, पूरे के पूरे कृषि का एक समन्वित विकास इसमें किया जाता है। और अगर बात करें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो यहाँ पर मार्क करें ये है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, तो यहाँ पर फिर से कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा ध्यान रखें, एवरग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बॉरलॉग, और इंडिया में अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो उसके फादर हैं, बिल्कुल सही, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट हम बात करें गोल्डन रेवोल्यूशन की। गोल्डन रेवोल्यूशन को सब जानते हैं कि ये फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, लेकिन कई जगह पर ये चीज़ मैंने देखी हुई है, इसको आप ध्यान रखें। फ्रूट प्रोडक्शन या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड होने के साथ साथ ये हनी प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करें तो ये है निर्भक तुतीज, जो कि इंडिया के थे। फिर बात करें पीरियड ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन, इसे कब लॉन्च किया गया, तो इसे 1991 से 2003 के बीच में इसे लॉन्च किया गया था। हनी प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं हनी बीज को, तो एक क्वेश्चन आपसे, हनी बीज के रेयरिंग को या उन्हें पालने को हम क्या कहते हैं, इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करें ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू अपने नाम से बताता है समुद्र, और समुद्र में कौन रहती है, मछलियाँ, तो इसीलिए ध्यान रखें ब्लू रेवोल्यूशन रिलेटेड है फिश प्रोडक्शन से, और फिशेस के रेयरिंग को हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, पिसिकल्चर। फिर बात करें फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन, ये है डॉक्टर अरुण कृष्णन। अगर इसे इंडिया में बात करें कब लॉन्च किया गया था, तो इसे 7th 5-year plan के टाइम पर लॉन्च किया गया था 1985 से 1990 के बीच में। और ब्लू रेवोल्यूशन को लॉन्च किसने किया था, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा हुआ है पर फिर भी अपनी जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रखें, इसे लॉन्च किया गया था फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा। नेक्स्ट हम बात करें पिंक रेवोल्यूशन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रेवोल्यूशन है क्योंकि इसके अंदर एक नहीं दो नहीं तीन अलग अलग चीज़ें हैं जिससे रिलेटेड है, तो इसे अपने ऑप्शंस के हिसाब से ही चूज़ कीजिएगा अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो। ध्यान रखें ये रिलेटेड है एक तो प्रॉन, जिसे हम झींगा कहते हैं, झींगा से रिलेटेड है, सेकंड ऑनियन से रिलेटेड है, और थर्ड ये रेवोल्यूशन फार्मास्यूटिकल्स या दवाइयों से भी रिलेटेड है। और अगर हम बात करें फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन तो ये हैं दुर्गेश पटेल। नेक्स्ट बात करें रेड रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन मीट और
टोमेटो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया था। और फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन हम बात करें तो ये है विशाल तिवारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं येलो रेवोल्यूशन की। येलो रेवोल्यूशन रिलेटेड है ऑयल सीड प्रोडक्शन से, जिसे हम हिंदी में तिलहनी कहते हैं। तो तिलहनी फसलों के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इस रेवोल्यूशन को हमने यूज़ किया था। और फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन है साम पित्रोदा। फिर बात करें राउंड रेवोल्यूशन, तो ये रेवोल्यूशन लगभग सबको पता है, इट इज़ रिलेटेड विद पोटैटो प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करें सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन रिलेटेड है एग्स या पोल्ट्री के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से। फिर बात करते हैं ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन रिलेटेड है फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, और इसी के कारण भारत आज यूरिया में सेल्फ सफिशिएंट है, और उसके साथ साथ एसएसपी के अंदर भी धीरे धीरे सेल्फ सफिशिएंट होता जा रहा है। एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर, हम जानते हैं प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं, लेकिन इन तीनों के जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनमें से कौन से न्यूट्रिएंट के फर्टिलाइज़र्स इंडिया में नहीं बनाए जाते, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन रिलेटेड है लेदर प्रोडक्शन से, या फिर अगर हॉर्टिकल्चर की बात करें तो ये रिलेटेड होता है कोकोवा प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। फादर ऑफ ब्राउन रेवोल्यूशन की बात करें तो ये है हीरा लाल चौधरी। फिर बात करते हैं ब्लैक रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन है ब्लैक गोल्ड, जिसे हम कहते हैं वो ओपियम है, पर यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, इसे ध्यान रखें। ब्लैक रेवोल्यूशन रिलेटेड है पेट्रोलियम से या क्रूड ऑयल मींस कच्चा तेल। तो कच्चे तेल के उत्पादन को इंक्रीज करने के लिए जो रेवोल्यूशन बनाया गया वो है ब्लैक रेवोल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करें वाइट फाइबर रेवोल्यूशन, और एक है हमारे पास गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। तो ये दोनों अपने नाम से ही बता देते हैं खुद के बारे में सब कुछ। तो वाइट फाइबर हम कहते हैं कॉटन को, और गोल्डन फाइबर हम कहते हैं जूट को। तो इसी से ध्यान रखें, वाइट फाइबर रेवोल्यूशन था कॉटन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, और गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन था जूट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। और एट लास्ट हम बात करते हैं ICAR के एक पूछे गए क्वेश्चन से, जो कि 2016 PhD के एग्ज़ाम में पूछा गया था। सेफ्रॉन रेवोल्यूशन मीन्स ऑरेंज, जो हम कहते हैं जो हमारा कलर है ऑरेंज, उससे रिलेटेड है। तो ये जो रेवोल्यूशन है सेफ्रॉन रेवोल्यूशन, इसके लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि ये रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। तो इसे ध्यान रखें, ये सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा जो है उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए बनाया गया था। तो ये था आज का वीडियो आप सभी के लिए। जो भी हमारे रेवोल्यूशंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे इसमें कवर्ड हैं, और ऑलमोस्ट वो सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं जो कि सभी एग्ज़ाम्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव है और दूसरों के भी काम आ सकता है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमने पूछे, तो उस क्वेश्चन के आंसर भी अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और उसके साथ साथ ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।